नमस्कार, मैं स्वामीकांत और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज बिहार। अभी हम आए हुए हैं तांत्रिकों का गांव असम में। तांत्रिकों के गांव से विख्यात गांव मयोंग, इसी गांव में हम अभी आए हुए हैं। यहां दूर दूर तक देखिए, आपको जितना भी दिखेगा पूरा फूस का झोपड़ी का घर नज़र आएगा, क्योंकि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस के कारण यहाँ घरों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इसलिए फूस के घर बांस के लकड़ियों का घर बनाते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो तांत्रिकों के गांव आने के पहले हमें बहुत लोग हिदायत दे रहे थे कि मत जाओ, वहाँ बकरी बनाते हैं, गधा बनाते हैं, सुअर बनाते हैं इंसानों को। हालांकि ऐसा भी होता था, तांत्रिकों के पास इतनी शक्तियाँ होती थी कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी को कुछ कर देते थे। इसी को ब्लैक मैजिक कहते थे। और इसीलिए हम आपको बताएं शॉर्टकट में कि हम वैसा गांव आए हुए हैं जो पूरे भारत में ब्लैक मैजिक विलेज के नाम से विख्यात है। ब्लैक मैजिक विलेज अर्थात काले जादू का गांव। तो अभी आप हैं काले जादू के गांव में, तो आप जानना चाहिएगा कि काले जादू के गांव में क्या क्या सुविधाएं होती है, कैसा गांव होता है, कैसे लोग होते हैं, कैसा घर होता है। तो फिलहाल जहां पे हम खड़े हैं, जैसा आपका गांव हो वैसा ही हमारा गांव है, और वैसा ही भी ये गांव है। लेकिन कुछ बुनियादी सुविधाएं यहां कम है, क्योंकि मेन सड़क यहां से लगभग 400-500 मीटर दूर है, और यह जो गांव है बीच बीच में जहां तहां बना हुआ है। बारिश के दिन में यहां नाव चलती है और नाव से लोग सड़क पे घर आते हैं। तो चलिए ब्लैक मैजिक के गांव के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो हमारे सामने साथ में खड़े हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? हिंदी जानो तुम्हें? तुम हिंदी नहीं जानो? आसामी? तो अभी यह आसाम के गांव में है, और ये आसाम का गमछा जो इस तरह दोनों तरफ इस तरह के फूल की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम आपको अब हम आपको लिए चलते हैं कि तांत्रिक के घर, कि तांत्रिक का घर कैसा होता है। और तांत्रिक घर चलने के क्रम में हम आपसे बातें करेंगे और पूरी बातें हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बता रहे थे यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ घर लोग फूस के बनाते हैं, और यह जैसा गांव है वैसा ही आपका गांव है, हमारा गांव है। सब सुविधाएँ आपके गाँव के जैसे ही यहाँ भी हैं, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर हो सकती है, जैसे कि यहाँ के रहन सहन, खान पान, जीवन यापन के तरीके में। तो चलिए तांत्रिक के घर का माहौल हम आपको दिखाते हैं कैसा होता है। और ये एक तांत्रिक का घर है, जिस उस तांत्रिक का नाम नेपाल सरकार है मयोंग में। तो ऐसे तो यहाँ जितना भी घर हुए, ये घर हो गया, वो घर हो गया, उस साइड आपको दिख रहे होंगे दूर दूर में, वो सब घर होंगे। यहाँ जितना भी घर हैं, यहाँ ब्लैक मैजिक जानने वाले हर घर में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम जिस घर में चल रहे हैं वहाँ पे काफ़ी फरियाद लेके लोग आते हैं अपनी कुछ इलाज करवाने के लिए, कुछ समस्या मतलब बहुत सारी समस्या के लेके इलाज करवाने के लिए, हो गया चोरी हो गया, और बाकी समस्या उतना हम नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि चलिए तांत्रिक का घर देखते हैं कि कैसा तांत्रिक का घर होता है। हालांकि कुछ फास्ट बोल रहे हैं, स्लो करके सुन लीजिएगा। हाँ, तो तांत्रिक घर चल रहे हैं, तो इस घर में चलते हैं और देखते हैं। जैसा आपका घर होता है, गाँव होता है, परिवेश होता है, ठीक उसी प्रकार यह भी गाँव का वैसा ही घर है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और इस साइड देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं। जैसे आपके गांव में घर का माहौल होता है, उसी प्रकार एक तांत्रिक के गांव के घर का माहौल होता है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और कुछ व्यवस्थाएं आप यहां पे दिखा रहे हैं हम आपको। चूल्हा पे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बन रहा है, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बन रहा है। बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, जिसके कारण ये बाहर में भी खाना बन रहा है, बच्चे लोग हैं। तो चलिए हम आपको और चीज़ दिखाते हैं, वो जो मुख्य चीज़ हम आपको जो दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पर कुछ फरियादी आए हुए हैं अपने इलाज के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तांत्रिक के पास। तो किस प्रकार की समस्या लेके आते हैं तांत्रिक के पास, हम यहाँ ये भी जानते हैं। हाँ, देखिए बगल में बैठे हुए हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। क्या हिंदी जानते हैं? हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। क्या हुआ है आपको? हमारा बीमारी। हाँ, क्या बीमारी है?
ये बीमारी तो दुश्मन का बीमारी, फिर भी वो बाबा के साथ आएगा। बहुत जगह में डॉक्टर खाना गुवाहाटी भंगागढ़ मुरीगांव से सब बीमारी भी नहीं धरा पड़ता है। जो बाबा बोलता है जो तुमको दूसरा आदमी खराब भी करता है उसको बाबा देख लेगा बोलेगा। तो हम आपको सबसे पहले वो तांत्रिक बाबा से मिलाते हैं जो हमारे बगल में ही खड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये वही नेपाली सरकार तांत्रिक हैं जिनका घर हम आपको भी दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले घर में प्रवेश करने के पहले ही एक फरियादी हमें मिल गया, एक समस्या लेकर आए हुए कह सकते हैं व्यक्ति जो मिल गए। पहले इनसे पूछ लेते हैं, तो आपको क्या हुआ, कहाँ कहाँ आप गए हैं? हाँ, क्या हुआ, क्या 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 हुआ, किस प्रकार का इलाज के लिए आप परेशान हैं? बीमारी है चाहे खराब बीमारी, ये हाथ जो सफेद है इसके कारण? नहीं, भूख से। हाँ। और धूल से। हाँ। धूल से वो डुम्बी बंद होता है उसको मैंने, हाँ अप होता है। ओ, तो ये अपनी समझ बता पा रहे हैं, हालांकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं सही बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सामने तांत्रिक महोदय हैं, नमस्ते, तो इनसे हम थोड़ा पूछते हैं यहाँ पर किस प्रकार की समस्या लोग के फरियादी आपके पास आते हैं, तो कौन कौन सी समस्या? जैसे कोई भी समस्या जो घर वाला घर का जो कौन समस्या, सब कुछ समस्या होती है, जो जी कोनो प्रॉब्लम सब सॉल्व करते हो इधर। जैसे कि हम और एक बीमारी आ गया मेरा, इलाज चल रहा है यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे थे इसी कमरे में जो मरीज आया हुआ है उसका इलाज चल रहा है तंत्र के माध्यम से। हालांकि भारत सरकार इसको प्रोत्साहन नहीं देती है, ना हम इसको प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता की स्थिति में लोग पहुंच ही जाते हैं। तो वहां पे हम आपको दिखाएं कि किस प्रकार एक मरीज फरियादी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए तांत्रिक का सहारा ले रहा है। तो चलिए तांत्रिक के घर को देखने क्रम में हम आपको कुछ और दिखाते हैं कि एक तांत्रिक घर में और क्या क्या होता है, और बाकी जो हम अभी आपको दिखा रहे थे कि समस्या क्या क्या लेके आती है विशेष बातें अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल तांत्रिक का घर देखते हैं। हाँ, तो तांत्रिक घर में जैसा आपका घर वैसा हमारा घर वैसा इनका घर, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ये हम घर में घुसते हैं तो ये चारों तरफ फूस का कमरा है, चारों तरफ फूस का कमरा है, ये टंगना असगंडे कपड़े टंगे हुए हैं, ये कमरा फूस का है चारों तरफ, और यह आंगन है, फूस के कमरे के बीच में आंगन है। और सबसे बड़ी बात, हर घर में आंगन में छोटा सा तुलसी का पौधा होता है, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म के मानने वालों के घर में। उसी प्रकार यहाँ पर घर में माता का दरबार लगा हुआ, माता का भी जगह मिला है माता को। तो तांत्रिक के घर में माँ का, माँ काली का, माँ दुर्गा का पूजा ना हो और उनको स्थान ना मिले, यह हजम नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि तांत्रिक के घर में इस प्रकार सब व्यवस्थाएं हमारे और आपके घर के ही जैसा होगा, लेकिन माँ काली माँ दुर्गा का स्थान जरूर होगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि एक तांत्रिक घर के बारे में सब लोग जान सके और समझ सके कि कैसा होता है तांत्रिक घर। लेकिन हाँ, जाते जाते मिक्स और हम आपसे बात करना भूल गए कि
ये जरूरी नहीं है कि हर लोग अमीर ही होता है। तांत्रिक कितना लोग बिना पैसे के भी इलाज करते हैं और कितना लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन ये इनके घर को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कितना पैसा का डिमांड करते होंगे, कितना पैसे फरियादियों से लेते होंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे लेते तो इनका फूस का मकान भी होता तो बढ़िया होता, क्योंकि यहाँ भी फूस के मकान के अलावे पक्के के मकान हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद। तो बंजारा न्यूज़ के साथ मैं स्वामीकांत और आप देख रहे थे मयोंग गांव के तांत्रिक का घर। नमस्कार।